सीनियर से वो भुवनेश्वर कुमार जो वर्तमान में इंडियन बॉलर है उसके गेंद को फेस किए हुए थे, उसका वीडियो भी यूट्यूब पे है। अच्छा, मतलब तुम्हारे स्कूल के बच्चे जो है वो भुवनेश्वर कुमार के साथ भी खेले हुए हैं? यस सर। अरे क्या बात है जी सर। तो उस स्कूल के बारे में तुमको कौन बताया था? मेरे मामा। मामा मतलब मामा क्या करते हैं? डीएसपी हैं। अच्छा, मामा डीएसपी हैं जो झारखंड में कार्यरत हैं। अच्छा, तो आदित्य के मामा जो है वो वर्तमान समय में डीएसपी हैं और जो वो झारखंड में वर्तमान समय में कार्यरत है उनकी पोस्टिंग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज मुन्ना एंड यू वॉचिंग मुन्नाज टॉक शो। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे शो पर वो आदित्य हैं। तो ये कोई इंटरव्यू नहीं कह सकते हैं और हम इसे इंटरव्यू कहेंगे भी नहीं। आज आदित्य को मैं अपने शो पर आमंत्रित किया हूँ। क्यों आमंत्रित किया हूँ, सबसे पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अररिया जो है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्कूल है जिनका नाम है मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल अररिया में, और उस स्कूल के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स जो है उनकी बड़ाई करते करते थकते नहीं हैं कि उस स्कूल ऐसा है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो मेरे मन में बहुत दिनों से इस बात को लेकर के जिज्ञासा थी कि उस स्कूल एक बार जाएं और वहाँ पर देखें कि सच में वहाँ पर इतनी व्यवस्था है। यहाँ के लोग जो उस स्कूल के बारे में बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल के बारे में काफ़ी निगेटिविटी भी बोलते हैं, फैलाते हैं कि नहीं वो स्कूल अच्छा नहीं है, ये वो दिस दैट फलाना ढिमकाना जो भी होता है बोलते हैं। तो आदित्य मेरे साथ है और आदित्य जो है मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल का छात्र है, वर्तमान समय में ये जो है क्लास 10वीं में पढ़ता है। तो आदित्य से आज हम जानेंगे कि आदित्य वहां कितना दिन से रह रहा है, वहां का स्कूल का जो वातावरण है, वहां का पढ़ाई लिखाई है, खान पान है, रहन सहन है, खेल कूद है, कैसा है, नहीं है। तो इन्हीं बात को जानने के लिए आदित्य को आज मैं अपने शो पर आमंत्रित किया हूं। जी सर। तो उस स्कूल के बारे में तुमको कौन बताया था? मेरे मामा। मामा मतलब मामा क्या करते हैं? डीएसपी हैं। अच्छा, मामा डीएसपी हैं जो झारखंड में कार्यरत हैं। अच्छा, तो आदित्य के मामा जो है वो वर्तमान समय में डीएसपी हैं और जो वो झारखंड में वर्तमान समय में कार्यरत है उनकी पोस्टिंग जो है झारखंड में है। तो मामा जी ही बोले थे कि तुम्हारे पापा को कि मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ पे आदित्य को दे दिया जाए। जी सर। तो तुम कितना भाई है? टू ब्रदर है। तो दोनों वहाँ पे गए थे, अकेले गए थे? दोनों गए थे। एक तुम और तुम्हारा बड़ा भाई है? यस सर। तो फिर बड़ा भाई भी वहीं पर होगा? यस, अभी नहीं है। अच्छा, वहाँ उस स्कूल से निकल गया था। यस। चलिए आदित्य, हमें ये बताइए कि उस स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव। उस स्कूल में बोलते हो कि 2015 में गए थे, तो लगभग तुम 6-7 साल से वहाँ पे रह रहे हो, तो वहाँ का वातावरण कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसा है, वहाँ का जो है रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, इनके बारे में ज़रा हमें बताओ, ताकि जो व्यूवर्स के मन में मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल को लेकर के कई सारी भ्रांतियाँ हैं कहीं ना कहीं उस पर एक विराम चिन्ह लगे और लोगों को जेन्युइन उसका उत्तर मिले कि स्कूल कैसा है, नहीं है, ये सब बातें बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत अच्छा है जी। वहाँ जितने भी टीचर्स हैं उसके साथ जो रिलेशन बैठता है स्टूडेंट का वो बहुत अच्छा रहता है, और जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट उसमें लीन हो जाते हैं, और बहुत वहाँ का सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा है। यानी कि तुम्हारा कहना है कि वहाँ का टीचर फ्रेंडली रहते हैं? यस सर। और जब वो पढ़ाते हैं तो बच्चे पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं उसमें, इस तरीके से बच्चे को कनेक्ट कर देते हैं, अपने साथ जोड़ देते हैं? यस सर। तो हमें आदित्य एक बात और बताओ कि वहाँ का खान पान कैसा है, खाना पीना का जो वहाँ का, तुम हॉस्टल में रहते हो या रोज़ जाते हो स्कूल? रोज़ जाते हो? हॉस्टल में रहते हो। तो हॉस्टल में खाना पीना का क्या व्यवस्था है? बहुत सारे लोगों के मन में रहता है पढ़ाई अच्छी होती है लेकिन खान पान अच्छा नहीं मिलता है, तो तुम्हारा क्या कहना है? नो सर, खान पान बहुत अच्छा है वहाँ हॉस्टल। यस सर, हॉस्टल वहाँ का बहुत उत्तम है। मैंने जितने भी हॉस्टल में गया देखा वहाँ का खान पान अच्छा नहीं था, बट वहाँ का खान पान बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, दूध वगैरह मिलती है? यस सर। प्रत्येक दिन या कभी कभी? एवरी डे सर। अच्छा, एवरी डे, प्रत्येक दिन वहाँ पर जो है बच्चे को दूध भी दिया जाता है। अब बाबू हमें एक चीज़ और बताओ कि वहाँ पर जो है जैसे तुम रहते हो तो खाना कितने टाइम दिया जाता है? 5 टाइम। 5 बार दिन में? यस सर। ये सच बोल रहे हो या ये मजाक है? नो सर, मजाक नहीं है, सच। 5 बार दिया जाता yes, है? यस सर। अच्छा, टाइमिंग जरा बताओ कब कब दिया जाता है? एक सुबह सुबह जब पीटी होता है हाँ, तभी एक हाँ, ब्रेकफास्ट हाँ, फिर लंच हाँ, फिर आफ्टर इवनिंग में शाम के समय स्नैक्स दिया जाता है? यस सर। हाँ, फिर डिनर। अच्छा, उसका जो है मतलब 7 सप्ताह का जो 7 दिन होता है उसका मेन्यू है खाना का, या मतलब जब मन हुआ तब कुछ बन जाता है? सर, मेन्यू बना हुआ है और मेन्यू के हिसाब से बनता है? यस सर। अच्छा,
अच्छा, हॉस्टल का कैसा व्यवस्था है? तुम जहाँ पे रहते हो एक ही कमरा में 10-15 बच्चे रहते हैं या सबका अलग अलग है, कैसा सिस्टम है वहाँ का? नो सर, वहाँ केबिन फैसिलिटी है, हर एक बच्चा के पास एक सेपरेट बेड है, एक सेपरेट पंखा है और एक सेपरेट स्टडी टेबल है और एक लाइट है। बच्चा अच्छे से रहते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अच्छा, यानी कि एक रूम में जो बहुत जगह बहुत बच्चे को डाल दिया जाता है वो नहीं है, सबका केबिन बनाया हुआ है। यस सर। और सिंगल सिंगल पंखा सबको है? यस सर। स्टडी टेबल सबको? यस सर। अच्छा, लाइट भी सबको? यस सर। अच्छा, वहाँ पे जैसे तुम लोग जो है कपड़ा उपड़ा जो साफ़ करते हो तो खुद से करना पड़ता है या फिर कोई और फैसिलिटी है? वहाँ वॉशिंग मशीन है सर, जो हम लोग को अपने से नहीं धोना पड़ता है। सीनियर अपने से धोते हैं बट जूनियर नहीं धोते हैं उसके। अच्छा, लिए जो जूनियर रहते हैं उसके लिए मतलब धोने वाला है, जो सीनियर बच्चे हैं उसके लिए भी वॉशिंग मशीन का व्यवस्था है? यस सर, उपलब्ध है वॉशिंग। अच्छा, मतलब हाथ से कपड़ा साफ नहीं करना पड़ता? अच्छा, सच में मतलब जो है जितनी बातें मैंने सुना था वो कहीं ना कहीं हद तक सही लग रहा है। और आदित्य, हमें ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल में अभी कुल मिला करके कितने बच्चे होंगे, लगभग एक अनुमान? अप्रॉक्स 2500। 2500 बच्चे अभी वर्तमान समय में तुम्हारे विद्यालय में है? यस सर। और तुम अभी टेंथ में हो? यस सर। तो टेंथ में कुल कितने बच्चे हैं? टेंथ में 250। अच्छा, 250 बच्चे जो है वर्तमान समय में टेंथ में है। और स्कूल के बारे में खेल कूद के बारे में बताओ कि खेल कूद वहाँ पर कैसा है? वहाँ सभी खेल को प्रॉपर ढंग से खेलाया जाता है, सभी खेल के लिए उत्तम व्यवस्था है, अच्छे से खेला जाता है। और प्रैक्टिस सभी चीज़ के लिए, जैसे क्रिकेट खेलना है तो हाँ। क्रिकेट के लिए अलग से प्रैक्टिस होता है, वॉलीबॉल खेलना है तो वॉलीबॉल के लिए अलग से प्रैक्टिस होता है, ये सब। अच्छा, हर खेल के बारे में वहाँ पर जो है हर खेल को अच्छे तरीके से कराया जाता है? यस सर। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे स्कूल से कुछ बच्चे जो है क्रिकेट में बहुत आगे निकले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? तुमको पता है? यस सर जी, बताओ। दो भैया थे हम लोग से सीनियर से, हाँ। वो भुवनेश्वर कुमार जो वर्तमान में इंडियन बॉलर हैं, हाँ, उसकी गेंद को फेस किए हुए थे, उसका वीडियो भी यूट्यूब पे है। अच्छा, मतलब तुम्हारे स्कूल के बच्चे जो है भुवनेश्वर कुमार के साथ ही खेले हुए हैं? यस सर। अरे क्या बात है। उसके बाद तुम्हारे स्कूल में मतलब किसी को अगर बुखार वगैरह लग जाए या कुछ भी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया जाता है या फिर स्कूल के द्वारा हैंडल किया जाता है? स्कूल के द्वारा हैंडल किया जाता है। उसके लिए वहाँ स्कूल का खुद का एक हॉस्पिटल है, जिसके लिए अगर बच्चा को इंजरी हुआ तो वो विदाउट पेरेंट्स वहाँ जाकर उसको इलाज किया जाता है, और उसके बाद अगर सीवियर कंडीशन हुआ तो उसको आगे ले जाया जाए। अच्छा, स्कूल का ही हॉस्पिटल है? यस सर। अच्छा, स्कूल में एम्बुलेंस सबका भी सुविधा होगा था? यस सर। अच्छा, एम्बुलेंस का भी सुविधा है। तो बहुत सारी बातें मेरे मन में थी स्कूल को लेकर के, और इतना ज़्यादा हम स्कूल के बारे में सुने थे कि अररिया में बहुत बड़ा स्कूल है मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल, तो सोचे कि नहीं इस स्कूल एक बार जाएंगे। लेकिन जब आदित्य हमारे साथ में जुड़ चुका है तो आदित्य से ही जानते हैं कि और क्या क्या मतलब जो है फैसिलिटी वहाँ पर जो है मिलता है। अच्छा आदित्य, कुछ बच्चे त्रिवेणीगंज के हैं जो मोहिनी देवी स्कूल में पढ़ते थे, वर्तमान समय में वो त्रिवेणीगंज में है, और बोलते हैं क्या कि स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाई होता था इसलिए हम लोग वहाँ से छोड़ दिए। तो वो लोग तो बोलते हैं कि अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, तुम बोलते हो अच्छा पढ़ाई होता है, तो फिर कैसे? हम वहाँ 7 साल से रह रहे हैं, ये तो आज तक हम नोटिस नहीं कि अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। वो इसलिए निकले वहाँ से, उसको वहाँ से स्कूल के द्वारा निकाल दिया गया अनडिसिप्लिन के कारण। अच्छा, डिसिप्लिन सख्त मना। मतलब तुम्हारा कहना है कि पढ़ाई 7 साल से में बहुत अच्छा होता है? यस सर। लेकिन जो बच्चे वहाँ पर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको स्कूल के द्वारा बाहर कर दिया? यस सर। अच्छा, तुम्हारा भाई भी स्कूल से निकल गया था, उसका क्या रीज़न था? उसका वहाँ डिसिप्लिन था सर। अच्छा, मतलब तुम्हारा खुद का भाई भी स्कूल से निकाला गया? निकला नहीं है? नो सर, निकाला गया। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो पढ़ने में, अगर उसके पास में डिसिप्लिन नहीं है और डिसिप्लिन को वो अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करता है तो स्कूल के द्वारा निकाल दिया जाता है। अच्छा, कुछ और लोग इस स्कूल के बारे में ये बोल रहे थे कि कोई बच्चा अगर उस स्कूल में पढ़ रहा है और अगर उसका ग्रोथ नहीं हुआ है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उसका फीस नहीं लिया जाता है, लौटा दिया जाता है, ये सच है या फिर झूठ है? सच है सर। अच्छा, ये बात भी सच है? यस सर। कि कोई बच्चा अगर अच्छा से नहीं पढ़ रहा है या प्रॉपर उसका ग्रोथ नहीं हो तो पैसा लौटा देते हैं? यस सर, उसका फीस नहीं लिया जाता। अच्छा, बहुत मतलब जो है। और कुछ बातें अपने स्कूल के बारे में बताओ। स्कूल में सर सभी टीचर जो है, हाँ, बहुत फ्रेंडली रहते हैं, बहुत फ्रेंडली, अच्छे से स्टूडेंट के साथ बिहेव करते हैं, जैसे स्टूडेंट का भी कोऑर्डिनेशन अच्छा से बन पाता है, और स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो पूरा क्लीन रहता है, पूरा यानी साफ सुथरा पूरे तरीके से, पूरा सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा है। अच्छा, तब इसका मतलब कचरा वाला गाड़ी सब भी होता होगा, प्रत्येक दिन कचरा उठाता होगा जब इतना बच्चा रहता है? यस सर, प्रत्येक दिन उसके अलग से गाड़ी है।
अच्छा, स्वामी विवेकानंद के स्टैचू के बारे में भी तुम्हारे स्कूल के बारे में कुछ बोला जाता है कि बहुत बड़ा स्टैचू है, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर, स्वामी विवेकानंद का जो स्टैचू है, वहाँ बिहार का सबसे बड़ा स्टैचू है स्वामी विवेकानंद का। अच्छा, यानी कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा स्टैचू स्वामी विवेकानंद का वो तुम्हारे स्कूल में ही है? सर। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि वहाँ जो स्कूल में तुम अभी रह रहा है, तुम उस वहाँ के पढ़ाई से, वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ के डिसिप्लिन से, वहाँ के रहन सहन से, खान पान से, खेल कूद से, तुम सब सब चीज़ से संतुष्ट हो? यस सर। तुम्हें कोई शिकायत भी है? कोई शिकायत नहीं। अगर हम बोले कि 100 out of 100 दो अपने स्कूल के हर चीज़ को ओवरऑल, तो कितना मार्क्स दिया जाएगा? 100। अच्छा, 100/100। मेरे तरफ से 100 दिया जाएगा सर। अच्छा, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आदित्य से बात करके, और हम एक दिन स्कूल जाएंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इच्छा है उस स्कूल जाने का, क्योंकि 4-5 ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं एक टीचर हूँ तो पेरेंट्स लगातार मुझसे मिलते रहते हैं किसी न किसी सिलसिले में। तो पेरेंट्स जब उस स्कूल के बारे में बताते हैं ना, उस बारे में बताते हैं, तो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस स्कूल के बारे में। इतना बड़ाई करते हैं, इतना बड़ाई करते हैं कि मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी हो गया कि नहीं, हमें जाना है स्कूल, एक बार देखना है वहाँ का वातावरण, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पढ़ाई लिखाई, कि पेरेंट्स इतना ज़्यादा उसके बारे में तारीफ़ करते हैं। और हम जाते भी स्कूल देखने के लिए, लेकिन हमें पता चला कि आदित्य उसी स्कूल में पढ़ता है, और अभी गर्मी छुट्टी में तुम आए हो। यस सर। तो आदित्य अभी गर्मी छुट्टी में घर आया हुआ है, तो सोचे एक बार आदित्य से बात करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि अगर ये बातें ऑफ स्क्रीन के बजाय अगर ऑन स्क्रीन किया जाए, तो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर उनके मन में मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल से रिलेटेड कोई भी बातें होगी, तो शायद वो क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, और आपके मन में कोई भी प्रश्न है कमेंट करें। जय हिंद।